हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सुरेश छवंके थग लाइफ सैवेज मोमेंट्स बेस्ट ऑफ सुरेश। तो चलो, इनका हमने किया था वीडियो, माय गॉड। तो इस वाले में देखते हैं क्या बताते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम पढ़ रहे थे, उन्होंने आपके चैनल पे कुछ दो तीन लाइंस लिखी थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये टेंशन बढ़ा रहे हैं सोसाइटी में, ऐसे ज्यादा हिंदूवाद को बढ़ावा देके या किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट। हिंदूवाद हिंदुस्तान में नहीं बढ़ाएंगे मैडम, तो पाकिस्तान में बढ़ाएंगे क्या? तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हलचल मजा। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन में। सुरेश जी की थग लाइफ पार्ट वन के लिए मैंने द पेटेड ऑफिशियल चैनल पर डाला था, उसके बाद बहुत ही ज्यादा कमेंट आए कि भाई मुझे इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए। सेकंड पार्ट को आने में 3 महीने का टाइम जरूर लग गया, बट आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक एडवाइस की पीके वाली मूवी का पार्ट मिस मत करना। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। क्योंकि आपने संदेह तो किया है, प्रश्न ये पैदा होता है सुरेश जी कि अगर कोई हिंदू और मुसलमान दोनों किसी को अगर कम्युनिटी को साथ लेके चलता तभी तो देश बनेगा। क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं? क्या इस देश का जब बंटवारा था, रोल था, उसके बदले पाकिस्तान ले लिया ना? नहीं, जो जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए और उन्होंने हिंदुस्तान की इस मिट्टी में मरना कबूल किया, गांधी की कयादत, गांधी का नेतृत्व तो स्वीकार किया, तो क्या गांधी को आप हिंदू नहीं मानते? तो उन मुसलमानों का दोष क्या है? क्या आप उन मुसलमानों को गद्दार मानते हैं? देखिए, ये तो हमारे पुरखों का बड़ा दिल था कि एक देश देने के बावजूद यहाँ पर लोगों को रख लिया। लेकिन अभी अगर वो कहेंगे कि नहीं, आप पाकिस्तान तो लड़के ले लिया, हंस के हिंदुस्तान ले लेंगे, तो कैसे दे देंगे? हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पत्रकार की भूमिका नारद मुनि जैसी होनी चाहिए, लड़ाई लगाने की खाली। वो तो फिल्मों में नारद मुनि की इमेज गलत की गई है। अच्छा, ये इमेज है असली इमेज, जो असली इमेज ऐसी है कि आप नारद मुनि को लड़ाई लगाने वाला कहेंगे क्या? नहीं, लोगों ने ऐसे ही देखा कि वो याद लोग। फिर किसने, आपने किसके कहने पे देखा? आपने जो स्टेटमेंट यूज किया फिल्मों की तरफ देख के किया। हाँ, है ना? तो सही वाली क्या है, आप बताएं। देखिए, वो तो एक भगवान थे। अच्छा, हम उनको एक संत मानते थे, और अभी किसी ना किसी रूप में हम हिंदू है तो हर चीज में इसमें भी भगवान देखते हैं। तो नारद मुनि को हमने कहा कि पत्रकारों के प्रतिनिधि के तौर पर नारद मुनि कहा जाए। और आपको पता होगा, नारद मुनि जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में अभी पिछले 10 सालों से कई संस्थाएं मनाती हैं। मेरे चैनल पे सारे दलों के लोग आते हैं, सारे, और मैं उनका इंटरव्यू अनकट चलाता हूँ। लोगों ने कहा है कि उनके नाम लेते समय केवल नरेश अग्रवाल मत कहना, रामद्रोही नरेश अग्रवाल कहना। एक साथ इतनी धार्मिक चीजें करेंगे तो हजम भी होनी चाहिए, अभी आदत नहीं हुई है, 40 ही दिन हुए। जो आपने कहा कि हम रामद्रोही हैं, पहले भी कहा था, टीवी पे कहा था, कभी नहीं कहा। कैमरे पे मैंने कहा था, मैंने आपको रामद्रोही कहा था, और आज भी कह रहा हूँ कैमरे के सामने, सबके सामने। एक उदाहरण देता हूं, अब क्रिश्चियनिटी का विषय निकला है तो मैं आपको बताता हूं। पोप भारत में आए थे, ठीक है, तब उन्होंने इस देश में सबके सामने अपने संबोधन में यह कहा था कि पहले शताब्दी में हमने यूरोप को क्रिश्चियन बनाया, दूसरी शताब्दी में हमने अफ्रीका अमेरिका को बनाया, और अब तीसरी शताब्दी में हम एशिया को बनाना चाहते हैं। जस्ट अभी चाहे तो अगर आपके पास टाइम है तो ऑन इंटरव्यू में आपको दिखाना चाहूंगा, या जो भी इंटरव्यू देख रहा है, ऑनलाइन देख रहा है, गूगल में जाके टाइप करें कि वो एशिया को बनाना चाहते हैं, जिसमें भारत भी आया है। अब यही बात अगर कोई दूसरा हिंदू नेता, हिंदू कार्यकर्ता या संत कहे कि हम भारत को हिंदू बनाना चाहते हैं, तो देश का सारा मीडिया ब्रेकिंग न्यूज लगाकर उसके पीछे पड़ जाता है। जैसे कि धंधा लेके घर वापसी के पीछे बहुत पड़ गया। पोप ने कहा तो आपने तो उसको जाने दिया, और जब आप कोई हिंदू संत कह रहे हैं तो आपका विरोध करते हैं, तो ये कहां फेयर जर्नलिज्म हुआ? दुखी बात। और मुसलमान 4-4 बीबी और 44 बच्चे का अभी भी रखेगा तो कैसे चलेगा? हालांकि ये बहुत मिसकंसेप्शन है, 4 बीबी और 44 बच्चे, ये आप इस तरह की चीजों को जुमले में जो आप बहुत लच्छेदार भाषा में कहते हैं, इससे डर परिवार दिखा दूं। अब मेरे साथ चलेंगे, मैं अपने गाड़ी में आपको लेके जाऊंगा।
तो हम मैं इस तरह से आपको बहुत सारे हिंदू परिवार दिखा सकता हूँ। 4 और 44 दिखाइए तो इससे क्या साबित होगा? दिखाइए 4 और 44। वो तो एपीजे का नाम, उनको तो मुसलमान भी हिंदू नहीं मानते, उनको तो मुसलमान नहीं मानते ना। जिस दिन उनकी समाधि हुई या उनकी अंत यात्रा हुई, उनको सुपुर्दे खाक किया गया, उसी दिन याकूब के लिए जनाजा निकला था मुंबई में। तो आतंकवादी याकूब के जनाजे में ज्यादा लोग थे और अब्दुल कलाम जी के इसमें कम थे। उनके यहाँ पर रामायण रखी गई थी क्योंकि वो पढ़ते थे, गीता रखी गई थी तो पढ़ते थे, तो मुसलमानों ने उस म्यूजियम में जाने से मना कर दिया। बताइए, इस बात पर मैंने विचार किया, आपको भी विचार करना चाहिए था। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सब यात्रा निकली थी तो कितने लोग जमा हुए थे और याकूब के साथ कितने लोग थे, इस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। अगर कोई भी सही बंदा है तो उसे समझ आ जाएगा कि शांति प्रियों का सपोर्ट याकूब को था या डॉक्टर एपीजे कलाम को। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही ओपन है, तो वहाँ अपने विचार मुझे जरूर दीजिएगा कि इस पर आप क्या सोचते हैं। रोहिंग्याओं को आपने फर्जी, एक बीमार आदमी जो कि क्या होता है पता है, ऑटिस्टिक आदमी को आपने कह दिया कि विकला अपराधी है रोहिंग्या। रोहिंग्या अपराधी है, मैं कहा, आप तो जान चीज इसी की रिपोर्ट आ गए कि आईएस के हाथ पे खेल रहे हैं रोहिंग्या। ठीक है, लेकिन आप जो ये और केवल भारत का नहीं, रिपोर्ट मोदी गवर्नमेंट का नहीं है, बाकी भी गवर्नमेंट का। लेकिन जो आप चला रहे हैं, मैं उसकी बात करूं, आपने ये गलत क्यों चलाया? एक ऑटिस्टिक बीमार आदमी को कोई नहीं बीमार, अरे बीमार नहीं, ये तो क्रिमिनल है। बीमार बीमार की सिंपैथी देने की जरूरत नहीं। अरे कैसे आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा, नेताओं के द्वारा हमारे दिमाग में ऐसी मानसिकता क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि रोहिंग्या लाचार हैं, गरीब हैं, बेचारे हैं, बीमार हैं, उनकी हेल्प करें, जिससे हम और आप उनका विरोध ना करके उन्हें सपोर्ट करें। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो कि विकास के मुद्दे को लेकर आए थे कि हम दिल्ली को संघाई बना देंगे, बट वो आज सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकिंग की राजनीति कर रहे हैं, मस्जिद में इमामों को सैलरी दे रहे हैं, और सिर्फ वोट बैंक के चलते हजारों नहीं लाखों रोहिंग्याओं को बसा लिया गया है, उनके आधार कार्ड बन गए हैं जिससे कि वो वोट डाल पाए और उन्हें दोबारा से सत्ता में ला पाए। देखिए, कोई दया नहीं होती देश में घुसकर आने वाले गद्दार को, कोई दया नहीं। एनआरसी आएगी और इस देश का हर गद्दार को इस देश के सीमा से लात मार के निकाला जाएगा। अच्छा, तो बच्चा आपका शूटर है तो आप भी शूटिंग करते हैं? हाँ, क्या गलत है? नहीं ठीक बात, हमारा पूरा परिवार करता है, मेरी भाई की 2 छोटी बच्चे, हम उनको भी शूटर बना रहे हैं। ये क्लिप ऐड करने का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर इतना ही था कि आप लोग भी कुछ सीखें। आजम खान समर्थकों की नाराजगी है कि आपने उनको सुअर बोल, योगी जी उनको सुअर बोल दिया, उनको सुअर बोल दिया। देखिए, व्यक्ति अपने कृत्यों से पहचाना जाता है, उनकी जो भाषा होती है, दोनों ने ऑरेंज ऑरेंज, उनके जो कृत्य होते हैं, गैंग रेप की घटना को जिस तरीके से वह व्यक्ति वो करता है, और भारत के एक यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति उनके जो वक्तव्य होते हैं, मुझे लगता है कि एक अधम से अधम जीव ही इस प्रकार की बात कर पाएगा। कुछ बहुत गलत बोला। ये जामा मस्जिद का ग्रैंड मुफ्ती जम्मू कश्मीर बोलता है कि अब हम इतने हो गए हैं कि एक और पाकिस्तान चाहिए, उसके खिलाफ आचार्य प्रमोद का आवाज उतना बुलंदी से क्यों नहीं आता जितना मोदी जी के खिलाफ आता है? नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो उनकी पार्टी देश से झूठ बोलती है ना, उसके खिलाफ हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं ओबीसी के खिलाफ हूँ, मैं सच के साथ हूँ। अगर ओबीसी गलत बयानी करते हैं तो मैं उनका भी खिलाफ। अगर क्या है, मैं बोलता हूँ, गलत करता ही है, इस चीज से ज्यादा नमक हराम आदमी कौन हो सकता है हिंदुस्तान में। मतलब मोदी जी ने दुनिया भर के काम किए, लेकिन जिस मुद्दे पे देश में सरकार बनाई कि हम राम मंदिर बनाएंगे उसे भूल गए, बना तो जिस मुद्दे को लेकर के चले कि 370 हटाएंगे उसे भूल गए, जिस मुद्दे पे कि कॉमन सिविल कोड लाएंगे, इस देश को बेवकूफ बनाया 50 उसे भूल गए, क्या किया हिंदुओं के लिए? एक काम मुझे अगर बता दें 5 साल में। कुछ समय पहले कांग्रेसियों द्वारा ये सवाल बहुत ही ज्यादा किए जाते थे, बट आशा करता हूँ कि अब उन्हें आंसर मिल गया होगा कि कश्मीर से धारा 370 भी हट गई, राम मंदिर भी बन गया, और रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जब इतना हुआ तो वो भी आएगा। सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। मैं भी तो बोल रही थी यही पीके मूवी जो रिसेंटली काफी इस पे आपको मैसेजेस भी आए हैं यूटीवी से। हाँ, मुझे सिद्धार्थ रॉय कपूर जो ईटीवी के सीईओ है उनका मैसेज आया कि आप जो वीडियो चला रहे इसका कॉपीराइट का उल्लंघन है और ऐसा करने पर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
हाँ, वो अच्छा। तो बहुत बड़ा ग्रुप है वीडियो, मतलब आप पीके का क्लिप्स दिखा रहे थे, क्लिप्स दिखा रहे थे, वो तो बहुत सारे चैनल्स दिखा रहे थे। नहीं, वो, आपको वो, एक वो, वो सारे लोग दिखा रहे थे प्रमो के जो अच्छा। उन्होंने रिलीज किए थे हाँ। हम वो दिखा रहे थे जिनमें वो भगवान को हाथ में लेता है और बोलता है कि इसके अंदर बैटरी है क्या, हिला के देखता है, काम नहीं कर रहा है क्या, वो बोलता है इसके अंदर एलियन होता है ना, वो उसको समझ नहीं आता। आप एलियन है इसको स्वीकारने के लिए कह रहे हैं, जो कि है कि नहीं पता नहीं, लेकिन भगवान है इसको आप नकारने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, मतलब ये कहां पर आप कह रहे हैं एलियन तो हमें पता भी नहीं उसके बारे में कुछ, आप मूवी में एलियन दिखा रहे हो, भगवान के बारे में पता है और आप भगवान को क्वेश्चन कर रहे हो। अच्छा, ये हम और आप सिर्फ वन साइडेड स्टोरी देखते हैं और अपना दिमाग तो घर पे रखे ही मूवी देखने जाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जिन लोगों ने इस मूवी को सुपर डुपर हिट कराया, उन लोगों में जरा सी अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी क्षमता नहीं है कुछ सोचने समझने की, उन्हें जो जैसा दिखाता है वो लोग बस वही सच मान लेते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, ये किसी ने पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप ये वीडियो नहीं दिखा सकते, हम कार्रवाई करेंगे। आज भी सुदर्शन के यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है क्योंकि हमने उनके वीडियो उस पे डाले थे, तो हमने अपने साइट पे डाल दिए। हमने मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा मैं जानता हूँ डिज्नी यूटीवी इतना बड़ा ब्रांड है, आपके पास पैसे का सामर्थ्य है और मेरे पास श्रद्धा का सामर्थ्य है। जिन भगवानों के बारे में आपने सवाल उठाया है, जिस संत परंपरा के बारे में आपने सवाल उठाया है, उस परंपरा के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। आप अपना कार्रवाई करिए, मैं अपना काम करूंगा। और मैंने 18 दिन तक पीके के वीडियो चलाए। हम तो धर्म जहां है वहां है, क्या मैं धर्म के खिलाफ हूं भाई? आप जिसको इस्लामाचार्य कहा जाए, क्या मुसलमानों से मोहब्बत करना हिंदू धर्म की मुखालफत है? क्या खुसरो ने भगवान कृष्ण के गीत नहीं गाए? क्या रस खान ने भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं की? मानस हो तो वही रस खान, बसो व्रज गोकुल गांव के, क्या रस खान के वो गीत भूल गए? अमीर खुसरो छाप तिलक, छाप तिलक सब छीनी, नैना मिलाए के ये भूल गए? देखिए मुझे तो क्या मोहम्मद रफी का वो गाना भूल गए? वो दुनिया के रखवाले सुंदर भरे बड़ी देर भाई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला, क्या ये सब बेकार हो गया? मुझे इसमें कोई वाह यार कितनी अच्छी बात कही, शायद आप लोगों को भी यही लग रहा होगा। आप सुनिए सुरेश जी का रिप्लाई। कोई विशेष नहीं लग रहा है क्योंकि एक हिंदू आचार्य बोल रहा है, लेकिन आज तक इतने मुसलमानों के इंटरव्यू किए मैंने, एक ने भी रस खान का उदाहरण नहीं दिया मुझे, एक ने भी खुसरो की बात नहीं कही मुझे, एक ने भी मोहम्मद रफी की बात नहीं कही मुझे, एक भी मुसलमान ने नहीं। मैं वो भूल गए ना, तो मैं याद रखे क्या करूं? आप सब देख रहे हो ये क्या है, 88% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बट वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं। सिर्फ 11% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा और वीडियो भी देख रहे हैं। यार भाई क्या कर रहे हो, आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलना। जब आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी आप देख रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत से भाई ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आज यार कर ही लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, हमारी फैमिली 1,00,000 की होने वाली है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सीरियस नोट पे था, पिछले वाला थोड़ा हंसी मजाक का था, बट दिस वाज ऑन अ सीरियस नोट, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। कई ऐसी चीजें जब वो दूसरे बोलते थे तो लगता था हाँ ठीक है, पर जब इनका आंसर आता था तो फिर बिल्कुल डिफरेंट एंगल से उनका आता था, तो उसको भी आपको सोचने को आप मजबूर होते थे। तो काफी उन्होंने ये ऐसी बातें की बताई कि आप कह रहे हो अच्छा ये भी अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसे तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने को सोच सकता था कि ये भी रीजन हो सकता है। तो कमाल का था, पर दिख रहा है कि ही इज वेरी फ्रैंक, चाहे कुछ भी हो जो उनके अंदर है वही वो बाहर बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ अपने आप में, मतलब उनको जो है धड़ाके से बोलना है, वो कंट्रोल करने वाला जो है ना वो नहीं रखना, जो है सो है, मैं इसमें बिलीव करता हूं मैं ये बोलूंगा। तो मुझे तो उस टाइप के ये लग रहे हैं। देखिए उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है और काफी पर्सपेक्टिव जो उनके हैं वो लॉजिक से बात कर रहे हैं, राइट? मतलब कहानी लॉजिक है, और जो भी दूसरा उनसे कुछ कहता है बोलते हैं अपना पॉइंट प्रूफ करके दिखा दो, क्योंकि हाँ। मैं तो प्रूफ कर सकता हूँ हाँ। वो नहीं कर पा रहे, वो ऐसे ही बोल देते हैं। तो हर बात के बारे में उन्होंने कहा देखो मेरे सामने हुआ था, मैं उसे प्रूफ कर सकता हूँ। जो जहां पर भी जिस तरीके के लोग रहते हैं, जो लोग मांग रहे हैं, उसका मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं दिखा सकता हूँ कि इसने ये मांगा था, इसने ये कहा था, इसने ऐसा कहा था। तो सभी से जो है वो बात करके पॉइंट अपना ला रहे हैं कि सोचने का तरीका जो है वो खराब हो चुका है, सोचने का तरीका जो है वो शायद पहली गवर्नमेंट थी
उसके अपने एजेंडे थे, उससे जिस तरीके की न्यूज निकलती थी, जिस तरीके का थॉट प्रोसेस निकलता था, उससे सोचने का तरीका जो है थोड़ा खराब हो गया था। इसमें वो ये नहीं कह रहे कि आप किसी भी रिलीजन से हेटरेड करिए, वो नहीं, गोल नहीं है। वो कह रहे हैं हेटरेड किसी की नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं अपने रिलीजन को, उसको उसके अगेंस्ट दूसरे इंसान को नहीं बोलना चाहिए। अगर दूसरा इंसान अपने रिलीजन के लिए करना चाहता है करिए, ये लोग अपने रिलीजन के लिए करना चाहते हैं आप करिए, इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने क्लियर भी किया काफी कि अभी जो है वो जो बातें बीजेपी ने कही थी वो, हाँ मोदी जी ये कौन कर रहा हूँ वो कहा, मैंने कहा सारे कर दिए, अब क्या बोलोगे, इसे पता चल गया आपको कि कौन सा कैसा है। उसके बाद उन्होंने जो लास्ट क्रिटिकल पॉइंट ये कहा था कि जो मॉडरेट रिलीजन व मॉडरेट मुस्लिम्स हैं उनकी तादाद शायद कम हो गई है। उन्होंने इस एग्जाम्पल भी दिया था कि एक बंदे के प्रोसेशन में कितने सारे लोग थे और दूसरे के प्रोसेशन में काफी कम थे, इसका मतलब मॉडरेट जो है वो कम हो गया। वो मुझे तो उनका उस बात पे तो मुझे वो बहुत दुख हुआ सुन के, क्योंकि उसमें वहां पे रामायण या गीता थी, तो उस वजह से जो है कई मुस्लिम गए नहीं उनको रिस्पेक्ट पे करने। हाँ, जहां तक मेरे ख्याल से सोल्यूशन वही है कि एजुकेशन का, कि एजुकेशन जो है आप स्कूलों में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, उससे हर बंदा जो है ठीक हो जाएगा। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।